तुम्हारे बाबा ने रिश्ता बताया है नवेरा के लिए, देखो कैसा होता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन दावर के मुकाबले का नहीं होना चाहिए। अरे दावर के मुकाबले का तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं चाहूँ तो भी नहीं हो सकता, बल्कि रिदा के लिए भी नहीं हो सकता। इतना सर ना चढ़ाए अपने दामाद को, पता है ना मेरे पीछे हाथ बांधे फिरता है। अरे इज्जत से बात करो, शौहर है तुम्हारा। बराबरी मियाँ बीवी में बराबरी होती है मैं। हाँ बेटा, वही लड़की तवेरा, वही लड़की। तौबा तौबा, इतनी मनहूस है क्या बताऊं, अभी पैदा भी नहीं हुई थी और बाप ने दूसरी शादी करके माँ और बच्चियों को घर से बाहर निकाल दिया। और बेटा वो बड़ी बहन तो बहुत ही नफरत करती है इससे, अपनी शादी के बाद नवेरा की शक्ल तक नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? कहा तो है मनहूस है इसीलिए। आपने पूछा नहीं उन लोगों से इनकार की वजह क्या थी? क्या पूछती मैं, उन्होंने कह दिया कि इरादा बदल गया है, अब हम नहीं आएंगे। समझ नहीं आई कि क्या कह सकती हूँ, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। कोई बात सुननी होगी इसके बारे में, घर के अंदर ये हाल है तो बाहर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुमने मेरी फ्रेंडली बातों का गलत मतलब लिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपसे कोई शिकायत नहीं की, आप खुद गिल्टी होकर सफाइयां पेश कर रहे हैं। आप मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो इज्जत का रिश्ता है वो कायम रहे, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे को अवॉइड करें।